धारा 370 हटने का जो खुशी जम्मू कश्मीर में है और जो लोगों ने इसका फायदा देखा है कि पथरावबाजी बंद हो गई, अलगाववादी आतंकवादी घटनाओं में 70% कमी है, 70% कमी है। जिन तीन परिवारों ने जम्मू कश्मीर को एक तरह से लूटा और सब सुख साधन अपने लिए किए, आज उनके उम्मीदवार हारते दिख रहे हैं। कभी उनको अफजल गुरु याद आते हैं, कभी कोई और याद आता है, दिखाते साफ दिखता है। मुझे लगता है इस मुद्दे की गहराई में जाना चाहिए और ये जो नई परिस्थितियां बनी हैं इसके कारण क्या रहे और इससे लोकल डेमोग्राफी पे कितना फर्क पड़ रहा है। ये स्थानीय लोगों में जो रोष है उसके बहुत गंभीर कारण हैं और ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली हैं और मुझे लगता है इसकी गहराई में इसलिए जाना जरूरी है कि भविष्य में इस तरह के प्रयास आगे ना किए जाएं। चुनाव है हरियाणा में भी और जम्मू कश्मीर में भी, हरियाणा में दिनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, जम्मू में क्या हालात है? जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से अभी आई हूं कैंपेन करके। लोगों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मत है। धारा 370 की समाप्ति ने नए अवसर खड़े किए हैं, जहां एक और शांति आई है, खुशहाली आई है, भारी निवेश आया है और पर्यटकों की भी भरमार है, नए रिकॉर्ड बने हैं। वहीं पर जनता को जहां एक और महिलाओं को 18,000 रुपये साल के मिलेंगे, 3,000 रुपये बुजुर्गों को पेंशन के लिए मिलेंगे, बच्चों को कोचिंग के लिए 10,000 रुपये तो मुफ्त में लैपटॉप मिलेंगे, वहीं पर 5,00,000 नौकरियां युवाओं को मिलने वाली हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है धारा 370 हटने का जो खुशी जम्मू कश्मीर में है और जो लोगों ने इसका फायदा देखा है कि पथरावबाजी बंद हो गई, अलगाववादी आतंकवादी घटनाओं में 70% कमी है, 70% कमी है। जिन तीन परिवारों ने जम्मू कश्मीर को एक तरह से लूटा और सब सुख साधन अपने लिए किए, आज उनके उम्मीदवार हारते दिख रहे हैं। उमर जी पहले कहते थे मैं एक भी विधानसभा नहीं लड़ूंगा, अब दो दो सीटों से उमर अब्दुल्ला जी लड़ रहे हैं और दोनों पे ही हालत खस्ता है। कभी उनको अफजल गुरु याद आते हैं, कभी कोई और याद आता है, दिखाते साफ दिखता है कि आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये उस दिशा में जा रही है जहां पर पथरावबाजी करने वाले, नशे बेचने वाले, अलगाववादी और आतंकवादी सोच वाले लोगों को जेलों से छोड़ने की ये बात कर रहे हैं कि हम PSA हटा देंगे और इन सबको जेलों से बाहर निकाल देंगे। इसका मतलब ये जम्मू कश्मीर में नई आफत खड़ी करना चाहते हैं और ये आफत खड़ी जम्मू कश्मीर में जब होगी तो जम्मू कश्मीर की शांति भंग होगी। दूसरा ये कहते हैं धारा 370 को खत्म कर वापस लागू करेंगे, इससे स्पष्ट दिखता है कि बाबा साहब अंबेडकर के भी खिलाफ है और जम्मू कश्मीर के लोगों के भी। बाबा साहब अंबेडकर भी धारा 370 के पक्ष में नहीं थे और धारा 370 की अगर वापस बहाली जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सोचती करेंगे तो इसका मतलब वो सोचते हैं कि जो वाल्मीकि समुदाय उसके हक छीन लेंगे, जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है उसके जो शरणार्थी हैं उनके हक छीन लेंगे, जो रिजर्वेशन मिली है गुजर बकरवाल से लेके SC ST समुदाय को उनका हक छीन लेंगे। राहुल गांधी जी ने तो विदेश में जाकर भी कह दिया कि वो रिजर्वेशन के विरोध में है। राहुल गांधी जी एक और रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, दूसरा इनकी पार्टी और परिवार ने लोकतंत्र की हत्या एमरजेंसी लगाकर की थी और संविधान में कई संशोधन पंडित नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी तक किए। ये स्पष्ट दिखता है कि ये लोग संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के भी खिलाफ थे, ये रिजर्वेशन के भी खिलाफ हैं और अब जम्मू कश्मीर के लोगों का रिजर्वेशन का हक भी छीनना चाहते हैं। डेढ़ वर्ष में हिमाचल का बंटाधार सुक्खू सरकार ने किया है, कांग्रेस को पता ही नहीं सरकार चलानी कैसे है। बड़े बड़े वायदे झूठे कर दिए थे, आज वो वायदे पूरे करते दिख नहीं रहे और सरकार की माली हालत इतनी खराब हो गई
कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को एक एक हफ्ता अपनी तनख्वाह का इंतजार करना पड़ता है। और बोझ ये पड़ा कि जब इनकी सरकार बनी कांग्रेस की, बढ़ते इन्होंने दो बार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ा दिए, और अब ये सेस लगाने वाले दूध के नाम पर और पर्यावरण के नाम पे, यानी कि बिजली उपभोक्ताओं को अब ज्यादा पैसा देना पड़ेगा मिल्क सेस और एनवायरमेंट सेस के नाम पर। कोई ना कोई बहाना ढूंढकर जनता की जेब में से पैसा निकालने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है और जनता पर बोझ डाल रही है। सीमेंट की बोरी 15 रुपए दाम बढ़ा दिए। अब यहां इंडस्ट्री आनी तो दूर की बात, जो है वो भी पलायन करने की सोच रही है। पहले उनके दाम बिजली के बढ़ा दिए, अब उन पर और सेस लगा रहे हैं। ये कैसी मनमानी है। अगर राज्य की सरकार नहीं चला सकती कांग्रेस पार्टी, तो इनको छोड़ देना चाहिए। अगर आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे, आम जनता को वायदे पूरे नहीं कर पा रहे, ऊपर से टैक्स का बोझ और बढ़ा रहे हैं, तो इससे दिखता है कि जैसे कर्नाटक वैसे ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें पूर्णतः फेल हो गई।